ठीक है, चालू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मली स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ा बहुत इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा धीरे 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 करके देखो, इजी टॉपिक जो था वो आपका निकल गया है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें आनी चालू होंगी। और अब मतलब ये मान के चलो कि अब से आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत हल्का टॉपिक था वो आपने पढ़ लिया, अब हम टफ टफ टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक वो टॉपिक है जिस पर अगर कहीं पर भी किसी भी कंस्ट्रक्शन में या किसी भी मशीन डिजाइनिंग में अगर स्टील कहीं पर यूज होता है या कोई भी दूसरा मटेरियल यूज होता है लाइक एल्यूमिनियम या कॉपर, तो उसकी कितने लोड पर कितनी कितनी स्ट्रेंथ डेवलप होती है या कितने लोड पर स्ट्रेस डेवलप होता है या कितने लोड पर स्ट्रेन डेवलप होता है, वो सारी बातें आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज आपका टॉपिक आप बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं जो टॉपिक चालू करने वाला हूं उसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये टॉपिक लगता तो इजी सा है क्योंकि आप इसको बहुत लाइटली निकाल लेते हो, बट इस टॉपिक को बिल्कुल भी नॉर्मली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से ही आपको पता लगेगा कि हम स्टील की कौन कौन सी स्ट्रेंथ किस पॉइंट पर क्या स्ट्रेंथ उसकी डेवलप होती है, स्टील में कितना स्ट्रेंथ मैक्सिमम डेवलप होता है या जो भी है, कब इलास्टिसिटी है कब प्लास्टिसिटी है। तो सबसे पहली बात स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सबसे पहली बात कि हम जो अभी मैं आपको कर्व बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको चीज बोली थी माइल्ड स्टील हो गया या HYSD हो गया चाहे एल्यूमिनियम हो गया कॉपर हो गया, सबका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग अलग होता है। जो सबसे बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं वो है आपका माइल्ड स्टील का। ठीक है, माइल्ड स्टील दैट मींस Fe 250। ठीक है, मैं बार बार आपको इतने दिनों से बोलता हूं कि 250 जो है ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। अब आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये यील्ड स्ट्रेंथ है क्या। ठीक है, ये कहां से निकल कर आती है, कैसे निकल कर आती है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो माइल्ड स्टील, ओनली जो कर्व मैं आपको बता रहा हूं ये ओनली माइल्ड स्टील का ही है, ये और किसी का कर्व नहीं है। सेकंड चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कर्व हमें मिलता कैसे है, तो आप अगर ध्यान से देखो जो आपकी मैकेनिकल की वर्कशॉप होती थी जिसमें आप फाइलिंग करते थे कटिंग करते थे, तो वहां पर एक ग्रीन कलर की मशीन होती है, उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम है UTM, इसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें स्टील का मिलता है। ठीक है, और किस मशीन पर मिलता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की मशीन होती है, उसके दो पार्ट्स मूवेबल होते हैं, उस मूवेबल पार्ट्स के बीच में हम स्टील सैंपल को फिक्स कर देते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में, अब मैं आपको चीज बताऊं, कंस्ट्रक्शन में चलो हमने स्टील रीइंफोर्समेंट यूज कर लिया, वो तो एमएम में होता है आपका, 6 mm हो गया, 12 mm हो गया, 16 mm हो गया, ठीक है 25 mm हो गया, बट क्या ये जरूरी है कि स्टील हमेशा रीइंफोर्समेंट, जो स्टील का सरिया जिसको बोला जाता है वो तो ओनली कंस्ट्रक्शन में होता है, बट आपकी जो मैकेनिकल की मशीन्स है उसमें प्लेट्स वो भी तो स्टील होता होगा कहीं ना कहीं, तो वो क्या होता है आपका शीट्स होती है बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी शीट्स के सैंपल बनाए जाते हैं। किस टाइप के सैंपल होते हैं मैं आपको बताता हूं, इस टाइप के सैंपल बनाए जाते हैं आपके, ठीक है कुछ इस टाइप के, ये देखो इस टाइप के सैंपल बनाए जाते हैं आपके, और ये सैंपल क्या होता है उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को फिक्स कर दिया जाता है। और ध्यान रखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो हम परफॉर्म करते हैं, अभी देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा ये मत सोचना कि ओनली टेंसाइल फोर्स के कारण आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्रेसिव फोर्स का भी आता है। अगर अभी ये स्टील सैंपल, और स्टील का भी कौन सा सैंपल है, Fe 250, हाँ पहले मैं इस पे जो फोर्स लगाऊंगा वो मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, दैट मींस जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है इस स्टील सैंपल को खींचने की कोशिश करेगी, और खींचने के अंदर क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए वो सारे चेंजेस मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये मशीन कौन सी, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और सैंपल आपका कुछ शेप का होता है, और अगर स्टील रीइंफोर्समेंट है तो आप डायरेक्ट उसको यूज करते हो जो सर्कुलर शेप सिलेंड्रिकल शेप में आपका होता है। अब ये तो हो गई बेसिक बात है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सी बात कि आप मुझे ये बताओ, ये आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हमेशा देखा है वो कैसा देखा होगा, यहां से देखना, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, सॉरी ये आपका वाई एक्सिस, स्ट्रेट मार्ग में थोड़ा सा, ठीक है ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि नॉर्मली एक्स एक्सिस पर हमेशा स्ट्रेन लिखा हुआ होता है। ठीक है,
और आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि इस वाई एक्सिस पर हमेशा आपका स्ट्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, मैं आपसे बस ये चीज पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि इस एक्स एक्सिस पर आप स्ट्रेस को लिख दो, और क्या ऐसा हो सकता है कि इस वाई एक्सिस पर आप स्ट्रेन को लिख दो? अगर ऐसा आपको लिखता है, आपको शायद लग रहा होगा कि हाँ सर लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कर्व थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो। इस एक्स एक्सिस पर हमेशा स्ट्रेन आएगा और इस वाई एक्सिस पर हमेशा स्ट्रेस आएगा। उसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, स्ट्रेन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से, और स्ट्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। क्योंकि जो इस अब मैंने सिग्मा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल एंड शियर। फिर नॉर्मल को हमने तीन में डिवाइड करा था, शियर को हमने दो में डिवाइड करा था। ठीक है, बट अभी मैंने कौन सा स्ट्रेस लिखा है यहाँ पर आपका? सिग्मा, क्योंकि जो मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ वो टेंसाइल फोर्स है, और उसका फोर्स अगर ये सैंपल है तो मैं कुछ इस तरीके से फोर्स इस पर लगा रहा हूँ, दैट मीन्स वो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शियर नहीं है। ठीक है, तो अब एक चीज करते हैं, ये मैंने क्यों एक्स एक्सिस पर आपका स्ट्रेन लिखा और क्यों वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लिखा मैं आपको बताता हूँ। जब आप 10th 11th में थे तो आपने एक्स वाई सिस्टम पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड में सीए, ये देखो एक्स और ये वाई। जब भी आप इस एक्स वाई सिस्टम को सॉल्व करते थे तो इस एक्स पर हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म्स लिखी हुई जाती है। कौन सी टर्म लिखी जाती है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब आप इस पर वो टर्म लिखोगे जिसको किसी से मतलब नहीं है, और इस वाई एक्सिस पर हमेशा हम लिखते थे डिपेंडेंट। और कौन सा डिपेंडेंट? कि ये इस वाई एक्सिस पर आप हमेशा वो वैल्यूज लिखोगे जो इस एक्स एक्सिस पर डिपेंड होती है। मैंने आपको क्या बताया, आपको एक हमेशा डाउट रहता है क्या स्ट्रेस पहले डेवलप होता है या स्ट्रेन डेवलप होता है, तो मैं आपको चीज बता देता हूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा एक टाइम पर डेवलप होता है, कभी भी आगे पीछे नहीं होता है। वो तो थ्योरेटिकल समझने के लिए आप पहले स्ट्रेन को डेवलप कर लेते हो, ठीक है, फिर स्ट्रेस को करते हो। बट अगर ये बॉडी अगर ऐसे रखी हुई है तो क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा? इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। बट जैसे ही मैं इसकी शेप बिगाड़ने की कोशिश करूंगा, जैसे आपने इसकी शेप बिगाड़ने की कोशिश करी तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, और जैसे ही स्ट्रेन डेवलप होगा सेम टाइम पर इस बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है? इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इसलिए जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो आपको ये बॉडी इलोंगेट या डिफॉर्म होते हुए नहीं दिख रही। आप इमेजिन करो कि अगर इन केस इस बॉडी में पहले आप समझ रहे हो स्ट्रेन डेवलप होता फिर स्ट्रेस डेवलप होता, तो आपको पहले ये बॉडी खिंचती हुई दिखती, उसके बाद ये आपको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाते हुए दिखती। क्योंकि स्ट्रेस का काम क्या है? बॉडी को डिफॉर्मेशन को बचाने का। तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला, स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंडेंट है, स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं है। और देखो इस वाली टर्म पर मैंने क्या लिखा है, इस वाली एक्स एक्सिस पर आप हमेशा इंडिपेंडेंट को प्लॉट करोगे, और उसके बाद इस वाई एक्सिस पर आप हमेशा डिपेंडेंट को प्लॉट करोगे, और स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन पर डिपेंड है, होता दोनों सेम टाइम पर। ठीक है, तो अब क्या होता है, आपने क्या करा, आपने कुछ भी नहीं करा, हमने क्या करा कि भाई अब जो मशीन थी आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, आपने धीरे धीरे क्या होता है, देखो मैंने तो दोनों ही मशीन पर टेस्ट परफॉर्म करा हुआ है, एक होती है मैनुअल, एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक पे ही परफॉर्म करा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पे क्या होता है कि आप उस पर परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिकली उस पर ग्राफ, एक स्क्रीन होती है छोटी सी, उस स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना आता है। वहीं पर अगर मैं यूटीएम की बात करूं, जो आपकी कॉलेजेस में होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, वो मैन्युअली होती है। होता क्या है, आप स्टील सैंपल को फिक्स करते हो और टेंसाइल फोर्स लगाते हो, तो उसी यूटीएम मशीन के पास में एक ड्रम होता है, उस ड्रम के ऊपर एक ग्राफ पेपर लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे उस ड्रम के ऊपर एक निडल वर्क करती रहती है, निडल वर्क, और जैसे जैसे आप फोर्स लगाते हो दैट मीन्स वो जो ग्राफ पेपर यूटीएम मशीन, जो यूटीएम मशीन है उसके ऊपर जो ड्रम होता है साइड में होता है, वो उसमें क्या होता है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपने आप प्लॉट होता रहता है। और जैसे स्टील सैंपल टूटता है हम उस कर्व को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि भैया इसका कितना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया है। ठीक है, तो हम मैनुअली लेके चलेंगे। ठीक है, इमेजिन करो यहां पर एक यूटीएम मशीन है, साइड में ड्रम है, बीच में सैंपल है, और आपने टेंसाइल फोर्स लगाना चालू कर दिया। सबसे पहली बात मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि स्ट्रेन, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बहुत ज्यादा चीज ध्यान से सुनना। मैंने स्ट्रेन आपको कौन सा बताया, स्ट्रेन दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। शियर फोर्स तो मैं इसमें कहीं पर लगा नहीं रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बचा नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में ये जो स्ट्रेन होता है ये ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेन, मैंने आपको कितने टाइप का बताया था, नॉर्मल स्ट्रेन मैंने आपको दो टाइप का बताया था। एक था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब इस
ये एक बॉडी है, जब इसकी लेंथ पर चेंज होता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और जब इसके एरिया पर चेंज होता है तो वो आपका लेटरल स्ट्रेन होता है। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कभी भी लेटरल स्ट्रेन नहीं होता, ये ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल होता है। स्पेशली इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ये कभी भी लेटरल नहीं होता है, ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, टेंसर फोर्स लगाना चालू करते हैं। जैसे ही आप टेंसर फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, आपको मिलता है आपका सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम है ए। इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, या फिर इसका नाम दूसरा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, दोनों इसको बोलते हैं। ये ही वो पॉइंट है जो आपको डिसाइड करता है। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो सबसे पहला पॉइंट है यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाती है, और यहीं पर आपका एक लॉ निकल के आता है जिसका नाम है हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ। आप सबको यह पता होगा कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, या फिर आप समझना हुक्स लॉ क्या बोलता है। पहले मैं आपको बताता हूं हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ यह बोलता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हुक्स लॉ आपको क्या बोलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, जैसे ही प्रोपोर्शनिटी सिंबल में हटाऊंगा, जैसे ही ये प्रोपोर्शनिटी सिंबल में हटाता हूं, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है ई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, और यहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपका स्ट्रेस को कौन सी डायमेंशन में प्लॉट करा है, कौन सी डायरेक्शन में करा है, वाई में। तो आप लिख लो ये रहा आपका वाई। स्ट्रेन को मैंने कौन सी डायरेक्शन में प्लॉट करा है, स्ट्रेन को मैंने एक्स डायरेक्शन में प्लॉट कर रहा है, ये रहा आपका एक्स, और ये आपका कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी एक इक्वेशन बन रही है वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जो कि किस चीज की इक्वेशन है भाई, सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, तो आप बोलोगे सर ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। That means, हमेशा ध्यान रखना, ये जो लाइन यहां से लेके यहां तक जाती है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कभी भी कर्व नहीं जाएगा, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन चल गया। अब आपको मैं कंफ्यूजन बताता हूं, मैक्सिमम लोगों को यह लगता है, ठीक है, कंफ्यूजन से पहले ये आपका आ गया, और वहीं पर आपको अगर मैं स्टील की वैल्यू बोलूं, ई फॉर स्टील कितना होता है, E for steel होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले हमारा कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट डेवलप हुआ था, पहले हमारा इलास्टिक कांस्टेंट डेवलप हुआ था आपका पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो के बाद हमारा सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट डेवलप हुआ था, कौन सा डेवलप हुआ था, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये मेरा तीसरा इलास्टिक कांस्टेंट डेवलप हो चुका है, और इसके बाद फोर्थ आपका डेवलप होगा बल्क मॉडुलस, जब वो डेवलप होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ई स्टील इतना है। कल के टॉपिक में बताया था कि सबसे ज्यादा जो आपका इलास्टिक होता है वो नेचुरल लेटेक्स होता है, या फिर आपका इलास्टोमर्स होता है। फिर स्टूडेंट्स ने बोला कि सर डायमंड का तो यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा है, डायमंड का यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा है, पर डायमंड आपका एक्सेप्शन केस है, इसलिए डायमंड, आप समझ रहे हो, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि यंग मॉडुलस तो डायमंड का ज्यादा है, बट वो सबसे ज्यादा इलास्टिक आपका नहीं है, क्योंकि उसका नेचर जो होता है वो ब्रिटलनेस उसमें बहुत ज्यादा होती है, इस कारण वो मैक्सिमम इलास्टिक नहीं बन पाता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ए। अब आप इसको थोड़ा देख लो, क्योंकि ये मुझे आपको मिटाना पड़ेगा। आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है। अब मैं इस वाले पॉइंट को मिटा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आएगा बी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप एक काम करो, स्ट्रेस हम फोर्स इंक्रीज कर रहे थे तो स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, स्ट्रेन डेवलप हो रहा था उसको बचाने के लिए स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। अब एक काम करो, थोड़ा सा टेंसाइल फोर्स और किस पर बढ़ाना है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर, उसका एक इस तरीके से गेज होता है, उसका घुमाते हो तो आपका फोर्स बढ़ता रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप थोड़ा सा और टेंसाइल फोर्स उस पर इंक्रीज करो, जब आप और टेंसाइल फोर्स इंक्रीज करोगे तो फिर आपको मिलता है, अब ये इस जगह से है ना बिल्कुल स्ट्रेट ही रहता, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, यहां तक तो स्ट्रेट लाइन थी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और सेकेंड पॉइंट हमको मिलता है इलास्टिक लिमिट, सेकेंड पॉइंट कौन सा है मेरा आपका, इलास्टिक लिमिट। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमने तो बुक्स में ये पढ़ा हुआ है कि जो जो हुक्स लॉ होता है वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, तो इसके कंफ्यूजन में आपको ये बता देता हूं कि ओनली माइल्ड स्टील ही एक ऐसा स्टील है जिसके ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट कौन सा था आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और बी पॉइंट कौन सा है आपका इलास्टिक लिमिट,
माइल्ड स्टील ही एक ऐसा स्टील है जिसके ये दोनों पॉइंट्स है ना बहुत ज्यादा पास में होते हैं, इवन ये एक दूसरे के ऊपर भी आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इन दोनों को दूर दूर बताया है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील केस में ये ए दैट मींस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और ये बी दोनों आसपास होते हैं, इसलिए अगर ये दोनों पॉइंट आसपास हैं तो वो बुक में आपको इसको हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक भी वैलिड बता देगा और आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बता देगा। बट इमेजिन करो कि इन केस उसने लिख दिया इन केस ऑफ रबड़ हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है, तो रबड़ के केस में जो हमारा रबड़ मटेरियल है उसके केस में आपके दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो रबड़ के केस में आप बिल्कुल भी ये नहीं लिख सकते कि हुक्स लॉ आपका इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है, क्योंकि कर्व आपका ओनली ए पॉइंट तक ही स्ट्रेट होता है। और माइल्ड स्टील केस में दोनों पास में है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इलास्टिक लिमिट भी लिख सकते हो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी लिख सकते हो, बट इन केस ऑफ रबड़ आप बिल्कुल भी इलास्टिक लिमिट नहीं लिख सकते हो। इन केस ऑफ रबड़ आप साफ साफ बोलोगे कि अगर हुक्स लॉ कहीं तक वैलिड है तो ओनली आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक है। अब ये इलास्टिक लिमिट है क्या, इसी पोर्शन को मैं बाहर निकाल के लेके आता हूं कि अगर ये आपका देखो अभी हमारे साथ यहां तक पहुंचा था, अभी ए था और ये था आपका बी पॉइंट, ठीक है। ये इलास्टिक लिमिट है क्या, ये इलास्टिक लिमिट ये है कि अभी अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहां तक पहुंचा है, और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने लोड लगाया और बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया, और अगर आप लोड हटा दोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस चल जाती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, इसको इलोंगेट करके मैंने 11 सेंटीमीटर कर दिया और ये इलास्टिसिटी के अंदर है या ये अपने इलास्टिक पॉइंट तक पहुंचा है, तो जैसे मैं लोड हटाऊंगा ये वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा और 10 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा। तो देखो अगर इस जगह आपका कर्व आपने अगर आपका कर्व बी पॉइंट तक पहुंचा है और आपने इस पर क्या करा, आपने लोड हटा दिया, तो ये वापस कर्व आपका जीरो की तरफ चल जाएगा। दैट मींस ये कर्व आपका वापस इस तरीके से आ जाएगा। और अब ध्यान से देखो कि ये जो बी पॉइंट है यहां पर देखो, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस एक्स एक्सिस पर आपको स्ट्रेन मिल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन वापस से रिड्यूस होकर जीरो पर चल जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका कर्व कहां तक पहुंचा है, आपके इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूं, जो आपका सैंपल है स्टील का उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, पहले ए तक करा इंक्रीज हुआ, फिर बी तक करा इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब एक काम करो आप, हमने क्या करा कि अब और लोड बढ़ा दिया, जैसे ही मैं लोड बढ़ाऊंगा आपको दो पॉइंट एक साथ मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सी पॉइंट और एक मिलेगा आपको डी पॉइंट, कुछ इस तरीके से। अभी सी पॉइंट का रोल क्या है और डी पॉइंट का रोल क्या है मैं आपको बताता हूं। इस सी पॉइंट को बोला जाता है अपर यील्डिंग पॉइंट और डी पॉइंट को जाता है आपका लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी पॉइंट आपका कौन सा है, बी पॉइंट है आपका इलास्टिक लिमिट, और ये धीरे धीरे जैसे करके हम जा रहे हैं ऊपर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, या आप ये बोल सकते हो कि ए से लेके डी तक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका स्टील सैंपल का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, बढ़ेगा भी नहीं। अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है, ये सी पॉइंट क्या है, ये सी पॉइंट है अपर यील्ड पॉइंट, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी यील्डिंग स्टार्ट होने वाली है, यील्डिंग स्टार्ट होने वाली है, और लोअर यील्ड का पॉइंट क्या है कि अब आपका बस यील्ड होने वाला, मतलब आप समझ रहे हो कि इस अगर आप डी पॉइंट के डी पॉइंट पर आ गए, ये अपर यील्डिंग पॉइंट है और ये लोअर यील्ड पॉइंट है, कि जैसे ही आप डी पॉइंट पर आ गए अब आप समझ जाओ कि आपके मटेरियल की जो मैक्सिमम इलास्टिसिटी थी वो खत्म होने वाली है, अब मेंबर के अंदर प्लास्टिसिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं डी पॉइंट पर पहुंचूंगा और मैंने हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ा दिया तो अब आपका मेंबर के अंदर प्लास्टिसिटी आ जाएगी। और जिस तरीके से जो अभी मैंने इलास्टिक लिमिट बताया था आपको कि अगर आपने इलास्टिक लिमिट तक लोड हटा दिया तो वापस से बॉडी का स्ट्रेन जीरो हो जाता है, अगर अब आप इस डी पॉइंट के आगे निकल गए तो अब आपका स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिसिटी क्या होता है कि अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है और अगर मान लो खींच के मैंने इसको 15 का कर दिया तो हो सकता है ये 13 सेंटीमीटर तक चल जाए, बट ये 15 तक बिल्कुल वापस से 10 सेंटीमीटर का बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट आपका, अब देखना ध्यान से,
एक चीज स्पेशली ध्यान से देखो, इस डी पॉइंट पर अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये डी पॉइंट ही आपका वो पॉइंट है जहां पर स्ट्रेस की वैल्यू 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो याद ध्यान से देखो, आप समझ रहे हो, ये ही वो डी पॉइंट है जहां पर जो आपका स्ट्रेस की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 250। अगर आप ये सोचते हो कि 200 माइल्ड स्टील के केस में 250 पर अगर 250 से ज्यादा आपने स्ट्रेस लगा दिया तो माइल्ड स्टील टूट जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। माइल्ड स्टील 250 पर नहीं टूटता है, जिस पॉइंट पर माइल्ड स्टील टूटता है उस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 430 न्यूटन, 416 से लेकर 430 आती है। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि अभी मैं इसको आगे और लेके जाऊंगा। दैट मीन्स ये मत समझना कि अगर माइल्ड स्टील अगर 250 ग्रेड इसकी देख रखी है तो अगर आपने 255 लोड लगा दिया तो वो आपको टूट जाएगा। रीजन ये होता है कि हम 250 यूज क्यों करते हैं, ये पॉइंट हमने क्यों स्टील की ग्रेड के लिए डिफाइन करा, क्योंकि इस पॉइंट पर अभी भी मैक्सिमम इलास्टिसिटी मेंटेन है। जैसे ही आप इस पॉइंट के आगे निकल जाओगे बॉडी के अंदर प्लास्टिसिटी आ जाती है। आप एक चीज इमेजिन करो, अगर अर्थक्वेक आएगा और अर्थक्वेक में मान लो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट खींचेगा तो आप क्या चाहोगे कि वापस अर्थक्वेक जाने के बाद मेरा स्टील रिइंफोर्समेंट अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, और वो माइल्ड स्टील केस में इस पॉइंट तक ही पॉसिबल है। जैसे ही आप इस पॉइंट के आगे निकल जाओगे, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस 250 है, अब आप एक काम करो 251 कर दो या 250.5 कर दो, आपका क्या होगा, ये कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कि देखो इस पॉइंट पर स्ट्रेस कितना है 250, इस पर कितना होगा 250.5, क्योंकि वाई पे मैं स्ट्रेस लिख रहा हूं। बट आप कंपेरेटिवली देखो कि यहां पर आपका स्ट्रेन कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये जो डी पॉइंट है जिसको हम लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, पहली बात एक चीज और ध्यान नहीं कि जब भी डिजाइनिंग हो, ये कौन सी स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है। यहां पर आपके पास कितने पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक है आपका अपर यील्ड पॉइंट, दूसरा है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि जब हम स्टील की ग्रेड डिजाइन करते हैं तो डिजाइनिंग में कौन सा पॉइंट आप लेते हो, अपर यील्ड पॉइंट या लोअर यील्ड पॉइंट। तो बोलना कि डिजाइनिंग में हमेशा लोअर यील्ड पॉइंट लिया जाता है क्योंकि अपर यील्ड पॉइंट बहुत कम समय के लिए आता है और ये आपका कंसिस्टेंट पॉइंट होता है, तो ये एकदम से आकर गायब हो जाता है और ये आपका कुछ समय तक रहता है। इसलिए इस पॉइंट को, दैट मीन लोअर यील्ड पॉइंट को माना गया है कि लोअर यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी उसी को हम स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ मानेंगे। और यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी वो स्ट्रेंथ है जहां पर आपकी मैक्सिमम इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। इस बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट था मेरा इलास्टिक लिमिट जहां पर 100% बॉडी अपने आप को कवर कर लेगी, और इस डी पॉइंट तक हो सकता है 100% ना करे बट मैक्सिमम फिर भी वो अपने आप को रिकवर कर लेगा। ठीक है, अब एक चीज करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डी पॉइंट पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान रखना इस डी पॉइंट पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये आपका 0.12% स्ट्रेन आता है। ठीक है, स्पेशली ध्यान देना। अब देखो ये डीई पोर्शन, ये डीई पोर्शन जैसे ही मैंने डी से जो 250 से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाओगे, एक क्वेश्चन और आता है कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट क्या है। तो मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने आपसे क्या बोला कि इस पॉइंट पर 250 था तो थोड़ा बहुत भी इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा मिल जाता है, बट स्ट्रेस देखो इस जगह स्ट्रेस में और इस जगह स्ट्रेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज है। तो मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ है कि यील्ड पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पर आपको स्ट्रेस तो इंक्रीज नहीं करना पड़ता। देखो यहां पर भी 250 और यहां पर भी नियरली 250, तो इस दोनों पॉइंट पे स्ट्रेस तो आपका बराबर है बट इस पॉइंट पर स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और वहीं पर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर जो आपका स्ट्रेन होता है, ये देखो ये जो इस पॉइंट पर आपका स्ट्रेन होता है ये आपका 1.2% से 1.8% हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रेन होता है, इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन, और यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रेन है ये है आपका प्लास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन। और आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर इलास्टिक स्ट्रेन, यहां से लेके यहां तक इलास्टिक स्ट्रेन कितना था 0.12, और यहां से लेके यहां तक इलास्टिक स्ट्रेन कितना हो गया आपका, देखो 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है 1.2। तो आप बोल सकते हो जो आपका प्लास्टिक स्ट्रेन होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है कि जो प्लास्टिक, देखो ना आपको ध्यान से देखो, ये 0.12 है, ये 1.2 है, तो 0.12 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये रेंज कौन सी आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन की, दैट मींस अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस जगह आ चुका है, दैट मींस अगर मैं डी इक्वल हूं तो ये है आपकी प्लास्टिक रेंज। अब प्लास्टिक रेंज का मतलब क्या है कि भाई अगर अब आपका माइल्ड स्टील इस एरिया में एंटर कर चुका है तो अब इसमें प्लास्टिसिटी मेंटेन रह जाएगी, अब वो अपने आप को रिकवर ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, बेबी नहीं बोलता कि नहीं करेगा, बट जितना इस डी पॉइंट तक वो अपने आप को रिकवर कर सकता था, अब इस रेंज में वो अपने आप को रिकवर नहीं करेगा। और आपको खुद को पता है कि अगर हमारे घर में कोई भी चीज ऐसी है, स्टील के कुछ भी है, और अगर वो खिंच जाए तो आप खुद चाहोगे यार कि यार वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, इसलिए हम इसको लोअर यील्ड पॉइंट पर या यील्ड स्ट्रेंथ पर मेंबर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चीज बोलता हूं, अभी तक मैंने आपसे क्या बोला, इस ए से लेके डी तक आपका बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बॉडी के दूर, जैसे अगर ये मान लो स्टील सैंपल है, इसको मैं खींच रहा हूं, तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं, बट स्पेशली ध्यान रखना कि इस डी ई पोर्शन में आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, ध्यान सुन लो कि इस डी ई पोर्शन में आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है। उसका रीजन क्या है कि देखो अगर ये स्टील बार है आपका, तो ए से लेके डी तक पार्टिकल्स कुछ यहां थे, फिर दूर होके दूर होते गए, तो आपका स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, बट जैसे ही आप प्लास्टिक रेंज में एंटर करते हो, आपके पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव नहीं करते, आपके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, कुछ इस तरीके से, दैट मींस आपके डी ई पोर्शन में पार्टिकल्स मूव्स ऑन ऑब्लिक सेक्शन, पार्टिकल्स मूव्स ऑन ऑब्लिक सेक्शन, या बोल सकते हो कि इस पोर्शन में थोड़ी देर के लिए शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, क्यों, क्योंकि जैसे पार्टिकल इस ऑब्लिक सेक्शन मूव करते हैं, ये पैरेलल मूव करते हैं, और इस वाले पोर्शन में जो डोमिनेंट स्ट्रेस होता है वो आपका शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब एक काम करो, अभी तक आप ध्यान से देखना कि इस, एक बार आप देख लो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है आपने लिख लिया होगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं, सी अपर यील्ड पॉइंट, डी लोअर यील्ड पॉइंट, डिजाइनिंग में हम लोअर यील्ड पॉइंट लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट आपका थोड़े समय के लिए रहता है, और वहां पर सी पॉइंट बहुत कम समय के लिए आता है, इसलिए हम सी पॉइंट को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डी ई पोर्शन में स्ट्रेस की वैल्यू तो बिल्कुल नियरली कॉन्स्टेंट है, और स्ट्रेन आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूं तो अब आपको क्या है, अभी तक नियरली यहां पर 250 के बराबर ही है, और ये क्वेश्चन याद रखना कि यील्ड पॉइंट बुक्स में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन भी आता है कि यील्ड पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पर स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, देखो ये स्ट्रेन है, यहां पर स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बट स्ट्रेस की वैल्यू आपकी सेम रहती है ना। अब क्या है कि अब यहां पर तो डी ई पोर्शन में तो आपको स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा मिल गई विदाउट स्ट्रेस इंक्रीज करे, या नियरली नेग्लिजिबल ही है आपका, बट अगर अब आपको बॉडी के अंदर स्ट्रेन चाहिए तो आपको अच्छा खासा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, या अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना कि इस ई के बाद मेरा कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, और मुझे अपना पॉइंट मिलता है ई एफ, यहां पर हमारा कौन सा पॉइंट आ गया था, यहां पर हमारा ई आ गया था, और हमारा पॉइंट है ई एफ, इस ई एफ को हम पता है क्या बोलते हैं, इस ई एफ को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, इस ई एफ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। कहने का मतलब यह है कि भैया आसानी से तुमने डी ई पोर्शन में स्ट्रेन ले लिया था, बट अब अगर आपको ई एफ पोर्शन में स्ट्रेन चाहिए तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, और वहीं पर इस एफ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस एफ पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ये ही वो पॉइंट है कि अगर आपने इस पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस अगर इसके अंदर लगा दिया तो 100% है स्टील आपका टूट जाएगा। ठीक है, और जिस तरीके से इस डी पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 250, इस एफ पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो नियरली होती है 416 से लेके 430 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और इस जगह जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो 416 से 430, दैट मींस
अब आपको समझ में आया कि माइल्ड स्टील 250 या 255 या 260 पर नहीं टूटता। अगर आपको माइल्ड स्टील पर तोड़ रहा है तो कम से कम उसमें स्ट्रेस की वैल्यू कितनी जनरेट होनी चाहिए, 416 से लेकर 430। अब आप बोलोगे सर आप तो लोड लगा रहे हो, तो लोड में लगा रहा हूं तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जो भी आपके सैंपल का एरिया है ना, लोड को मैं एरिया से डिवाइड कर रहा हूं और जो भी वैल्यू आ रही है वो मैं इस जगह पर लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि इस ईएफ पोर्शन पर आपका क्या होता है, इस ईएफ पोर्शन पर आपको आसानी से स्ट्रेन नहीं मिलता है, आपको स्ट्रेन चाहिए तो आपको स्ट्रेस या फोर्स को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वो रीजन इसलिए है कि इस ईएफ पोर्शन में जो आपके कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी मटेरियल होता है, वो किस चीज से बनता है, वो बनता है आपका एटम से, मॉलिक्यूल से। तो इस जगह इस ईएफ पोर्शन में जो एटम्स होते हैं उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टलाइजेशन वो चेंज हो जाती है, इस कारण वो इजिली मूव नहीं हो पाता है, इसलिए आपको स्ट्रेन आसानी से नहीं मिलता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका एफ पॉइंट है, इस एफ पॉइंट पर जो आपका स्ट्रेन की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 10% to 15%। दैट मींस अब आप एक चीज इमेजिन करो, ये स्ट्रेन क्या चीज है कि अगर आपका ये 10 सेंटीमीटर का था तो 10 सेंटीमीटर का 10% कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो अगर माइल्ड स्टील अगर आप सैंपल है तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको कितना खींच सकते हो, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक। यह मत समझना कि अगर ये माइल्ड स्टील Fe250 का सैंपल है तो आप इसको 10 सेंटीमीटर को खींच के 30 सेंटीमीटर कर दोगे, वो इसलिए नहीं करोगे क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर आपका स्ट्रेन कितना आ गया, 10% से 15%। ठीक है, मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। अब इस F पॉइंट पर आपका स्ट्रेस है तो 416 से 430, अगर आपने इसके ऊपर जरा सा भी स्ट्रेस लगा दिया, थोड़ा सा भी अगर आप इसके ऊपर स्ट्रेस लगा दोगे तो क्या होगा, आपका सैंपल अब टूट जाएगा और एकदम से ग्राफ आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ इतना नीचे मत लेके आना कि इस यील्ड पॉइंट से नीचे हो जाए, ये वैल्यू भी कभी भी यील्ड स्ट्रेस से कम नहीं होती। ठीक है, और इस F पॉइंट को हम बोलते हैं, सॉरी ई एफ आ गया, इस पॉइंट को हम जी ले लेते हैं, इस जी पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट और फेलियर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट और फेलियर पॉइंट। स्पेशली ध्यान रखना कि जैसे ही आप एफ से ज्यादा, एफ कौन सा पॉइंट था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, जैसे ही आपने थोड़ा सा भी सर्व फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो आपका जो सैंपल होता है, जो आपका स्टील सैंपल होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एकदम से बहुत ज्यादा पतला होना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा था, बट इस पॉइंट के अगर आपने अगर फोर्स लगा दिया अल्टीमेट स्ट्रेंथ के आगे, तो आपका स्टील सैंपल जो इतना मोटा था वो एकदम से पतला होना चालू हो जाएगा, और इसी पोर्शन को हम बोलते हैं जब एकदम से फेलियर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद आपका एकदम से स्टील का सैंपल पतला होना चालू हो जाता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं, ये हमारा एफ जी था, इस एफ जी को हम बोलेंगे नेकिंग, NECKING, और जी आपका फेलियर पॉइंट है। आप इस पर एक बार देख लो, ठीक है, तो आप देख लो ये आपका आपका बिल्कुल एफजी तक हमारा नेकिंग हो चुका था। अब एक चीज ध्यान से देखना, इसको मैं फिर मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि जैसे ही यूनिट वन मेरी कंप्लीट होगी, मैं आपको इस पूरी के नोट्स भी दूंगा, टेंशन मत लेना, आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे, और यूनिट वन के आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि एसएससी जेई में काम आएंगे, आपको आपके स्टेट के अगर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम है, इवन आपको आईएएस प्री में भी काम आएंगे, बट हाँ गेट में काम नहीं आएंगे। गेट के लिए रीजन ये होता है, गेट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के अलग तरीके से आते हैं, अगर हम उन क्वेश्चंस पर जाएंगे तो हम अपना इनिशियल लेवल ढंग से क्लियर नहीं कर पाएंगे। या तो आपका ये सारा लेवल क्लियर हो, तो अगर पता है गेट किसको करना चाहिए, अगर ये कर्व आपको पहले से ही पता है तो 100% आप गेट पर चल जाओ, बट अगर आपको बेसिक चीजें भी नहीं पता है तो पहले आप एसएससी जेई या डीएमआरसी या डीडीए, आपके स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर, इनकी तैयारी करो, जब आप वो बन जाओगे तब आप अपनी छुट्टी लेना और अपना तैयारी चालू कर देना आईईएस के लिए, गेट के लिए। आईईएस में आपको हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, ठीक है, ये लो इसको मिटा रहा हूं। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जैसे ही हम F के आगे लगाते हैं तो ये F अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है और ये हमारा G होता है, G मतलब आपका फेलियर पॉइंट, कि अब आपका माइल्ड स्टील टूट गया और इस पॉइंट पर जो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होती है 20% से 25%। दैट मींस जब माइल्ड स्टील टूटता है
तो उसकी जो उसके अंदर जो स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कहने का मतलब ये कि अगर कोई 10 सेंटीमीटर का सैंपल था और जब उसको खींच के पूरा तोड़ दोगे तो जो उसके अंदर चेंज आएगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर का आएगा, इससे ज्यादा का चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। एक चीज और, जब ये स्टील सैंपल आपका टूट जाता है तो इस जगह मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एफ के आगे बढ़ोगे आपका क्रॉस सेक्शन एकदम से पतला, अगर ये स्टील था तो ये जो एरिया होता है ना एकदम से पतला होना स्टार्ट हो जाता है और ये नियरली 50% होता है। दैट मींस आप बोल सकते हो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 50%। क्या बोल सकते हो, जो भी आपका इनिशियल एरिया था जब मैंने कोई लोड नहीं लगाया था, माइनस एरिया ऑफ फ्रैक्चर अपॉन ए नोड इनटू 100। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छे ऑब्जेक्टिव लेवल पे आ सकता है कि जब ए नोड है आपका वो एरिया जब आपने कोई भी लोड नहीं लगाया था और ये एफ कौन सा है, जब आपका सिंबल टूट गया, इस तरीके से जब आप परसेंटेज फाइंड करोगे तो वो नियरली आपका 50% तक आता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देख लो और इसके बाद में अपना अगला टॉपिक चालू करता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या करा था, जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो मैंने मिटा दिया है, माइल्ड स्टील का ही, अभी मैंने माइल्ड स्टील का ही बनाया है, बट मैंने क्या करा, कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, बाकी कचरा जो भी लिखा था सब हटा दिया। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से भाई, यहां तक एरिया वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, और जो थोड़ा बहुत एरिया आपका, देखो मैंने आपसे क्या बोला कि F पॉइंट के बाद आपका एकदम से एरिया बहुत ज्यादा चेंज होता है, बट इस E पॉइंट से हमारा एरिया थोड़ा बहुत कम हो जाना चालू जाता है। देखो यहां तक तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है बट यहां से आपका एरिया थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को खींचोगे तो वो पतला हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, तो हमने ये जो कर्व बनाया हुआ है यहां से लेके यहां तक का, इसमें मैंने यहां से लेके यहां तक का एरिया कांस्टेंट माना है। दैट मींस इस जगह जो फोर्स आया है मैंने उसी एरिया से डिवाइड करा है जो कि शुरुआत में था। अगर इस जगह भी आपका फोर्स, अगर इस जगह स्ट्रेस आया है तो मैंने इस वाले फोर्स को उसी एरिया से डिवाइड करा जो मेरा इनिशियल में था, बट यहां से तो आपका एरिया चेंज हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये सोचो कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट के बाद आपका एरिया चेंज हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो जैसे ही एरिया की वैल्यू आपकी घटेगी तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान रखना, इस कर्व को जो आप पढ़ते हो, इस कर्व का नाम होता है इंजीनियरिंग कर्व, और अगर हम इस जगह ही एरिया को कंसीडर कर लेते हैं, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ध्यान से देखना आपका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, और इस कर्व को हम बोलते हैं ट्रू कर्व, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या आपका एक्चुअल कर्व। और जो आप इस जगह ये स्ट्रेस की वैल्यू लिख रहे हो, स्ट्रेस को मैंने क्या बोला कि इस जगह स्ट्रेस आपका ओनली नॉर्मल स्ट्रेस होता है, तो ध्यान से देखना एक चीज, ये जो आप स्ट्रेस की वैल्यू लिखते हो इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और इस जगह, दैट मींस इस जगह जो आपको वैल्यू मिल रही है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की है, और इस जगह जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस। ट्रू का मतलब भैया रियल, क्योंकि आपने क्या करा, यहां पर इस वाले कर्व नीचे वाले कर्व में हमने एरिया को चेंज नहीं करा था, बट अगर मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए तो एरिया को आपको घटाना पड़ेगा, और एरिया अगर घटेगा तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और अगर स्ट्रेस आपका बढ़ गया है तो इस सिग्मा, इस ट्रू स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो ये आप रिप्रेजेंट कर लो सिग्मा नॉट से, और इस ट्रू स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा एक्चुअल से, ट्रू स्ट्रेस सिग्मा ऐसे, ये हो गया आपका ट्रू स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये एप्सिलॉन नॉट आपका आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आपको ये ट्रू स्ट्रेस फाइंड करना है तो इसका रिलेशनशिप होता है सिग्मा ए इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट,
कुछ इस तरीके से। अभी सिग्मा ए क्या है, ये सिग्मा है आपका एक्चुअल स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेस, ये है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ये है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और ये प्लस माइनस का मतलब क्या है भाई, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो लेंथ बढ़ती है, तो इन केस अगर आप ये टेंसाइल फोर्स की बात करोगे तो प्लस यूज कर लेना, और अगर आप स्टील सैंपल पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तो माइनस यूज कर लेना। मैं लिख देता हूं प्लस सिंबल फॉर टेंसाइल फोर्स एंड नेगेटिव फॉर कंप्रेसिव फोर्स। अब किसी किसी चीज को याद रखोगे सर हम स्टील पर तो स्टील तो आपका टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्रेशन में तो वीक होता है, तो मैं आपको स्पेशली एक चीज बताता हूं, स्टील आपका कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है और आपका टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं पर ये वाला कर्व था फॉर टेंशन। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब इधर आ जाओ वापस से, अगर मैं किसी चीज को दबाऊंगा तो क्या होगा, यहां पर तो एरिया पर घट रहा था, अगर मैं किसी चीज को दबाऊंगा तो क्या होगा, आपका एरिया बढ़ेगा या घटेगा। अब ये चीज इमेजिन करके देखो, अगर मैं इस चीज पर कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं तो एरिया बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो अगर अगर मेरे को ट्रू कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लगाना है तो वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रू कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और याद रखना कंप्रेशन में माइल्ड स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, देखो टेंशन में माइल्ड स्टील क्या है, टेंशन में जो माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ थी वो थी 250, वहीं पर अगर आप स्टील पर कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कंप्रेशन भी लगा देती है और टेंशन भी लगा देती है, अगर इन केस आप स्टील पर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो उस केस में जो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ आती है वो आती है आपकी यील्ड स्ट्रेंथ, मैं लिख देता हूं इधर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन इज इक्वल टू 263 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आप समझ रहे हो कि अगर यील्ड, अगर आप यील्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे तो माइल्ड स्टील यील्ड स्ट्रेंथ टेंशन टेंसाइल फोर्स से भी ज्यादा आती है इन केस ऑफ कंप्रेशन, बट हम स्टील को यूज भी नहीं करते कंप्रेसिव फोर्स के लिए, क्योंकि देखो स्टील जैसा हमारा मान लो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट हमारा कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है बट हमारा टेंशन में क्या होता है कॉन्क्रीट वीक होता है, बट हम कॉन्क्रीट को क्यों यूज करते हैं, अगर इस मेरी ऊपर भी फ्लोर ये स्लैब है इसलिए क्योंकि कॉन्क्रीट का जो यूनिट वेट होता है वो कम होता है, अगर मुझे पता है कि इस पर ओनली कंप्रेसिव फोर्स लगने वाला है तो उसके लिए तो मेरा कॉन्क्रीट भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्क्रीट मेरे को सस्ता भी पड़ता है प्लस कॉन्क्रीट का यूनिट वेट होता है 2400 केजी पर मीटर क्यूब। वहीं पर अगर मैं इसी को स्टील का बना दूंगा, मेरे को मुझे जैसे अगर ये जो फ्लोर है इस पर मैं अभी कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं तो आप अगर इसको स्टील का यूज करोगे तो स्टील का क्या होता है 7848 केजी पर मीटर क्यूब, तो स्टील का यूनिट वेट बहुत ज्यादा आता है। अगर स्टील को आपने फॉर कंप्रेसिव मेंबर यूज कर लिया तो ऑलरेडी मतलब इसके लोड की जो जहां पर 2400 केजी पर मीटर क्यूब से काम चल रहा था वहां पर आपको 7848 या 7850 केजी पर मीटर क्यूब का और लोड कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं स्टील को वहां यूज कर लेते हैं जहां पर टेंसाइल फोर्स लगता है और जहां पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है हम वहां पर कंक्रीट यूज कर लेते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह कर्व है, इसको एक बार बहुत ध्यान से देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है वो ओनली फॉर माइल्ड स्टील था, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एच वाई एस डी दैट मीन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, या फिर फॉर एल्यूमिनियम या फिर आपका कॉपर। ध्यान रखना जिस तरीके से आपका हमने क्या करा, सेम स्टील सैंपल लेंगे और उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम फिक्स कर देंगे, सेम वही हमको टेंसाइल फोर्स लगाना है, और टेंसाइल फोर्स जब आप लगाओगे तो एंड में जो आपको कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, आपको कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस कर्व को मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना, सेम वही एक्स एक्सिस पर आपका स्ट्रेन आ जाएगा, वाई एक्सिस पर आपका स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, बट इसका कर्व कुछ अलग मिलता है, इसका कर्व कुछ मिलता है आपको इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखना भाई, पिछले वाले में क्या हुआ था,
हमें अब देखो अगर मैं एचवाईएसडी की बात कर लूं तो एफ ई 500, ये 500 क्या है, ये 500 है यील्ड स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जहां पर मैक्सिमम इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, वहां पर मुझे बताता है कि मुझे कुछ इस तरीके से कर्व मिला है कि एक पॉइंट ऊपर से जाके नीचे आ गया और फिर स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई, तो आपने इमेजिन कर लिया कि ये भैया लोअर यील्ड पॉइंट है और इसी पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है वही मेरा यील्ड स्ट्रेंथ बनेगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको किस जगह यील्ड पॉइंट दिख रहा है, अगर आपको इस जगह यील्ड पॉइंट नहीं दिख रहा है तो कैसे डिसाइड करोगे किस पॉइंट पर आपको 500 स्ट्रेंथ मिलेगी, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। दैट मींस माय लिस्ट ये केस में तो हमें लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट दोनों दिख जाते हैं, और इसलिए हम लोअर यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है उसको यील्ड स्ट्रेंथ मान लेते हैं। अब ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज और बताऊं, प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आपका इलास्टिक लिमिट, आपका यील्ड पॉइंट, ये तीनों बहुत पास पास कंसीडर कर लिया है, या ये मान के चलो तीनों एक ही पॉइंट कंसीडर कर लिया जाते हैं। दैट मींस फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑल दीज थ्री पॉइंट कंसीडर्ड एज वन पॉइंट। बट क्या है, यहां पर आपको पॉइंट दिख ही कहां रहा है, तो होता क्या है, यहां से देखना सेम इस कर्व में भी वैसा ही होगा, जो आपको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, ए पॉइंट। अब ये आप ए पॉइंट कैसे पहचानोगे, वो ए पॉइंट आप इसलिए पहचान लोगे, ए पॉइंट होता है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि आपको ये बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आपको ध्यान होगा जब मैं इसे प्रोपोर्शनली सिंबल हटाता हूं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू आपका स्ट्रेन आता है, और ये इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये कर्व जहां तक स्ट्रेट गया है वो पॉइंट मेरा कौन सा बन जाएगा, आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपने कैसे पहचाना ये पॉइंट, कि जहां तक ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ ये बोलता है, और अगर ये बोलता है तो ये पोर्शन आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। अब कुछ मत करो, अब अगर आपको इस पे यील्ड पॉइंट पहचानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो ये क्या है आपका स्ट्रेन, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। स्ट्रेस क्या करना है आपको, आपको इस कर्व में बस आपको अभी तक एक ही चीज पता है कि भैया यहां से लेके यहां तक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। आप कुछ मत करो, दैट मींस अगर अब आपको यील्ड पॉइंट फाइंड करना है तो कॉन्सेप्ट लगता है प्रूफ स्ट्रेन का और प्रूफ स्ट्रेस का। आपने ये सुना होगा कि हाँ प्रूफ स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेन कुछ होता है, आपको बताता हूं, हम इस कर्व में ये पता है कि यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन है, तो जितना भी स्ट्रेन आया है उस पर 0.2% स्ट्रेन को मार्क कर लो। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0.2% स्ट्रेन तो आप फाइंड कर सकते हो ना, लेंथ मेजर कर सकते हो, स्ट्रेन का था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जितना भी स्ट्रेन है ना उसका 0.2% ले लो। इस 0.2% पर कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सेम ये अगर मान लो इनिशियल पॉइंट ओ था, आपको कुछ नहीं करना है, सेम इस लाइन जो दैट मीन जो ओ ए लाइन है, आपको सेम इस 0.2% स्ट्रेन पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल होगी। ठीक है, आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद कुछ मत करो, ये जो पैरेलल लाइन दैट मींस यहां तक आप आगे, इस पैरेलल लाइन को कंटिन्यू एक्सटेंड कर दो इस तरीके से। आपने क्या करा, 0.2% स्ट्रेन लिया, 0.2% स्ट्रेन को हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। आपने प्रूफ स्ट्रेन मार्क कर लिया क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, और सबसे पहली लाइन आपने 0.2% पे ओए के पैरेलल बनाई और जो पैरेलल लाइन थी उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह ये कर्व को कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस की वैल्यू आएगी क्योंकि हमारा स्ट्रेस किस पर रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा स्ट्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा वाई एक्सिस पर। अब आप एक काम करो कि जिस पॉइंट पर इस एक्स, ये देखो आपने लाइन ड्रॉ करी थी उस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पर ये कट करा है इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस फाइंड कर लो। ये जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है ये ही आपका यील्ड स्ट्रेस होता है। क्या ये पॉइंट या बोलोगे कि ये पॉइंट आपका यील्ड स्ट्रेंथ वाला, दैट मींस यील्ड स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ वाई से। ठीक है, तो दैट मींस और इस जगह जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है हम उसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। दैट मींस अगर आपसे कोई ये पूछे, आप समझ रहे हो प्रूफ स्ट्रेन,
आपने लाइन ड्रॉ करी जहां पर कट गया, और जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू आई, इसको या तो हम बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेस, और ये प्रूफ स्ट्रेस ही आपका यील्ड स्ट्रेस होता है। या आप ये बोल सकते हो कि अगर ये मैं कर्व FE 500 के लिए ड्रॉ कर रहा हूंगा तो इस जगह जो वैल्यू स्ट्रेस की आएगी वो आएगी 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस चीज को स्पेशली ध्यान से देख लेना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ स्ट्रेस एंड प्रूफ स्ट्रेंथ, तो आप बोलोगे कि अगर आपको स्टील की हायर ग्रेड चाहिए तो आपको कार्बन कंटेंट बढ़ाना पड़ता है, और कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से आपका जो यील्ड पॉइंट माइल्ड स्टील के केस में दिखता है, वो कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से आपका यील्ड पॉइंट गायब हो जाता है। और अगर हमें यील्ड पॉइंट ही पता नहीं लगेगा तो हम HYSD एल्यूमिनियम कोबर का यील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका अगर हमें यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ स्ट्रेस एंड प्रूफ स्ट्रेन। उसमें क्या करते हैं कि ये कर्व तो आपको देखो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से मिल जाएगा, उसमें हमें पता है, हमें अभी तक ये पता है कि यहां तक हमारी एक स्ट्रेट लाइन थी, हमने 0.2% हमने जो भी स्ट्रेन आया उसका 0.2% ले लिया, वहां पर एक लाइन ड्रॉ करी जो बिल्कुल इसके पैरेलल गई, और उसका हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और इस एक्सटेंडेड लाइन में जिस पॉइंट पर इस कर्व को कट करा और उसके कोरिस्पोंडिंग जो स्ट्रेस आया, यही वो स्ट्रेस होता है जिसको या तो प्रूफ स्ट्रेस बोला जाता है, और यही वो स्ट्रेस है जहां पर हमें अपना यील्ड स्ट्रेस मिलता है। तो इतना आप इसको देख लो एक बार। ठीक है, अब जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ये स्ट्रेस टेन कर्व कोई मजाक की चीज नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया बढ़िया बुक्स में भी बहुत अच्छे से देखे नहीं रखा हुआ है, बट आजकल आपके जेई का लेवल कुछ ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, अगर वो लेवल इंक्रीज कर सकते हैं तो हमारा लेवल तो ऑलरेडी इंक्रीज है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। भाई इसको ध्यान से देखना, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मैं बहुत ज्यादा कुछ मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और ये जितने भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ मटेरियल्स के लिए, वो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है, और मेरी नॉलेज में है कि वो SSC JEE में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, कुछ टर्म्स मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहले देखो, आप माइल्ड स्टील पर आ जाओ, है ना, आप किसी पर मत आओ, सबसे बढ़िया माइल्ड स्टील कर्व पर ही आ जाओ। ये माइल्ड स्टील जो कर्व था हमारा, सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, ए, और उसके बाद हमारे से कर्व आ जाता है, ये आता आपका बी। मैंने बताया था कि ए है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और बी है आपका इलास्टिक लिमिट। दैट मींस अगर आपका कर्व लोड लगाने के बाद यहां तक गया है या यहां तक गया है, और आप लोड हटाने के बाद अगर इस पॉइंट तक आप आ गए और फिर भी आप लोड हटाते हो, तो कर्व क्या करता है, वापस जीरो पर आ जाता है। दैट मींस जितना भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो वापस से रिगेन हो जाता है, है ना। और आप बोलोगे कि कर्व आपका यहां तक पहुंचा था, यहां से लेके यहां तक आ गया, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी। हम इसको बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी, कि भैया इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा था, लोड आपने हटा दिया, तो जितना भी स्ट्रेन डेवलप हुआ था वो वापस से जीरो पर आ गया। बट हम इमेजिन करते हैं कि हमारा कर्व जो है अब इलास्टिक लिमिट से भी बाहर जा चुका है, मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा, देखो यहां पर तो 100% इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, उसके बाद थोड़ी इलास्टिसिटी कम मेंटेन होने चालू हो जाती है। जस्ट इमेजिन करो कि आपका कोई पॉइंट इस इलास्टिक लिमिट से भी बाहर निकला हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहां तक लोड रिमूव करा था, स्ट्रेन बिल्कुल यहां तक पहुंचा था, जीरो हो गया। बट जब आप इलास्टिक लिमिट के बाहर निकल जाओगे तो ये श्योर है कि मटेरियल अब आप 100% अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा अपने आप को। देखो ध्यान से देखना, अभी आपका स्ट्रेन यहां तक है, ठीक है, अभी आपने लोड नहीं हटाया, अब एक काम करो लोड को रिमूव कर दो, तो बॉडी करती है अपने आप को थोड़ा सा रिगेन करने की कोशिश करेगी, और दैट मींस इसने अपने आप को इतना रिगेन कर लिया है, तो ये क्या हो गया आपका इलास्टिक रिकवरी हो चुकी है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बाहर निकल जाते हो तब थोड़ी बहुत प्लास्टिसिटी भी मेंटेन रहेगी, अब 100% अपने आप को स्टील रिगेन नहीं करेगा, तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है। देखो यहां तक तो रिकवर, देखो यहां तक स्ट्रेन था, इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ा बहुत रिगेन हुआ, बट इसमें प्लास्टिसिटी भी रह चुकी है, तो अब ये आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन है। तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है इसको हम बोलते हैं परमानेंट
सेट, समझ गया मेरी बात, जो रिकवर हो गया उसको इलास्टिक रिकवरी बोल दिया और जो रिकवर नहीं हुआ उसको हमने बोल दिया परमानेंट सेट। ठीक है, इसको देख लो, देख लिया इस चीज को, ये इलास्टिक रिकवरी, यहां पर भी इलास्टिक रिकवरी हो गई थी बट जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया उसको हमने परमानेंट सेट का नाम दे दिया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो हो गया, ठीक है, ये आपने मिटा देता हूं उस चीज को। ठीक है, अब मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट याद करता हूं। ये देखो, फर्स्ट में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूं वो बना रहा हूं मैं आपका लीनियर इलास्टिक मटेरियल का, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। इस लीनियर इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है, आप इमेजिन करो जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो ओनली ए पॉइंट तक पहुंचा है। ए पॉइंट क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक क्या होता है कि आपका कर्व बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर कभी भी वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल का कैसा होता है, तो भैया लीनियर इलास्टिक मटेरियल का बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको ज्वाइन कर लेना आप इस तरीके से। ठीक है, लीनियर इलास्टिक कर्व ऐसा होता है। अब मान लो मैंने आपसे क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन ओनली ए तक होती है बट आपकी इलास्टिक लिमिट तो पॉइंट बी थी, तो अगर वो आपसे पूछे कि भाई नॉन लीनियर इलास्टिक का कर्व कैसा होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक, दैट मींस अब मैंने आपसे क्या बोला था कि इस तरीके से, ये आपका बी पॉइंट है क्योंकि यहां तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये थोड़ा कर्व हो जाता है, तो ये आपका नॉन लीनियर इलास्टिक का, इसको देख लो, ये है आपका स्ट्रेन, ये है आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, ये दोनों आप अपना ड्रॉ कर लेना, यूनिट कंप्लीट हो, जैसे यूनिट नंबर वन मेरी कंप्लीट होगी मैं आपको इस यूनिट के नोट्स भी दूंगा, मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा और मैं अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखूंगा। ये मैं क्योंकि इन चीजों में सनकी हूं, अगर मैंने अगर कोई चीज ठान ली कि भैया रेगुलरिटी मेंटेन करनी है तो चाहे मेरे को सोने को नहीं मिले मैं वीडियोस डेली अपलोड करूंगा। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से देखना कि अभी तक मैंने दो कर्व ड्रॉ करे हैं, ये आपको सब ध्यान रखने हैं कि है ये भी इलास्टिक है क्योंकि हमारा इलास्टिक लिमिट बी तक होता है बट ये कर्व मैंने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक बनाया है और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आपने इसको लिख दिया लीनियर इलास्टिक और ए के बाद हमारा कर्व थोड़ा मुड़ जाता है तो मैंने इसको लिख दिया नॉन लीनियर इलास्टिक, मतलब है दोनों इलास्टिक ही, कि अभी यहां तक भी अगर आप लोड हटाओगे तो कर्व जीरो पर आ जाएगा, यहां पर भी अगर आपका लोड है तो अभी कर्व आपका जीरो पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखा थोड़ा, अब हमारा स्टील क्या है, आप बोलोगे सर स्टील है आपका, स्टील में इलास्टिसिटी भी होती है, स्टील में आपकी प्लास्टिसिटी भी होती है, जब हमारा इस इलास्टिसिटी भी है प्लास्टिसिटी भी है तो हम उसको बोलते हैं इलास्टो प्लास्टिक, तो दैट मींस अगर ये आ जाएगा थर्ड आपका भाई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ इलास्टो प्लास्टिक क्या होता है, तो ध्यान से देखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टोप्लास्टिक आपका इस तरीके से हो जाता है, और यहीं पर अगर मैंने इस इलास्टोप्लास्टिक की स्ट्रेन हार्ड, आप देखा मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको टॉपिक बताता है स्ट्रेन हार्डनिंग, तो ये ऐसा भी लिखा सकता है कि इलास्टो प्लास्टिक मटीरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना, इस तरीके से आप देख लो इस चीज को। ठीक है, ये है विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग, ये भी इलास्टो प्लास्टिक है, स्टील हमारा इलास्टिक भी है प्लास्टिक भी है, ये भी स्टील का है बट इसमें मैंने स्ट्रेन हार्डनिंग को कंसीडर नहीं करा और इसमें मैंने स्ट्रेन हार्डनिंग को कंसीडर करा है। ये सारे कर्व्स ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में मिल जाएंगे कि भैया इलास्टो प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग का कैसा होता है, ये रहा आपका स्ट्रेन, ये रहा आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं स्ट्रेन को। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, इसको मिटा देता हूं पूरा, देख लो आप एक बार ध्यान से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कर्व आएगा मेरा, नेक्स्ट मेरा कर्व आएगा, अभी चार हो गए ना हमारे, फिफ्थ हमारा कर्व आएगा परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन का, देखो सारे याद रखने हैं आपको, ये स्ट्रेन ये स्ट्रेस, ये कर्व जो आपका होता है ये आपका परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का होता है। उसके बाद सिक्स्थ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये आपको याद रखना है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सिक्स्थ है आपका आइडियल रिजिड। आइडियल रिजिड क्या होता है ध्यान से देखना भाई, आइडियल रिजिड का मतलब ये है कि उसमें कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बस ये स्ट्रेन, ये देखो आइडियल रिजिड का कुछ ऐसा बनता है, स्ट्रेन इसमें बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता, इसमें बोला जाता है भैया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो आइडियल तो कुछ है ही नहीं बट फिर भी अगर आपने आइडियल कंसिडर कर लिया
तो ज्यादा से ज्यादा इसमें स्ट्रेस आएगा, इसमें स्ट्रेन डेवलप नहीं होता है। और वहीं पर अगर मैं आइडियल फ्लूइड का बनाऊं, सेवंथ आइडियल फ्लूइड का अगर मैं आपके सामने बनाऊंगा, तो आप समझ गए हो आइडियल फ्लूइड क्या होगा। आइडियल फ्लूइड आपका ये स्ट्रेन, ये आपका स्ट्रेस, तो आइडियल फ्लूइड में ओनली स्ट्रेन डेवलप होगा इस तरीके से। आइडियली कोई चीज होती नहीं है, बट फिर भी आप इस चीज को ध्यान रख देना। तो यार सारी एक बार आप इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यार ये आपने देख लिया होगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पॉज कर देता हूँ।